सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो आज फिर से मैं एक लाइट रूम के ऊपर वीडियो लेके आ गया। मैं लाइट रूम इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि आई एम प्रेटी मच गुड इन फोटोशॉप, नॉट इन लाइट रूम, बट ऑलमोस्ट द कंट्रोल पैनल आर सेम। एंड ऑल्सो आप ये सेम चीज कर सकते हो, ये सेम फोटो एडिट कर सकते हो अपना एंड्रॉइड डिवाइस में भी, क्योंकि लाइट रूम सबका सेम होता है। कुछ कुछ चीज जो है इसमें ज्यादा फंक्शन है और जो कुछ कुछ जो एंड्रॉइड में नहीं है। सो ये मेरा एक रॉ इमेज है, इसीलिए यहाँ पर ऑलरेडी कुछ सेटिंग्स हो चुका है, तो सबको मैं 0-0 कर दूंगा। सॉरी, सबको मैं, अच्छा ऐसा ऑटो कर देता हूँ मैं यहाँ पर। ओके, सो यहाँ पर सब कुछ, मैं, ये मेरा रॉ फोटो है। सो मैं आपको आज कुछ दिस टाइप ऑफ फोटो आई विल शो यू हाउ यू कैन क्रिएट दिस टाइप ऑफ फोटो ओनली कलर ग्रेडिंग। सो इसमें क्या क्या करा किया है मैं आपको बता देता हूँ। इसमें कोई स्पेशल ऑब्जेक्ट ऐड नहीं करा है, ना कोई क्या कहते हैं बैकग्राउंड चेंज हुआ है इसमें। इसमें जस्ट सिंपली आप प्रॉपर फोटो क्लिक हुआ है एंड जब उसको अच्छे से उसको कलर ग्रेड किया है, लाइटिंग फिक्स किया है और थोड़ा डॉजन बन का भी इसमें, अगर आप फेस देख सकते हो तो यहाँ पर डॉजन बन का थोड़ा सा हाथ है, और जो बॉडी में भी इसमें भी डॉजन बन यूज किया है और हाथ में नहीं किया है और इधर भी नहीं किया है। जो ये पोर्शन है ये पूरा डॉजन बन है, और ये जो ऑब्जेक्ट है ये डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट है, और ये पूरा जो है ये सब फिक्स्ड है। ये और दिस एंड दिस आर द डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट, दिस एंड दिस आर, ये दोनों सेम ही है। इसको जस्ट यहाँ पर जूम करके थोड़ा बॉक्स ब्लर कर दिया, बाकी सब सिमिलर है, बाकी सब मतलब ओरिजिनल है, कोई इसमें डुप्लीकेट नहीं है। और मतलब डुप्लीकेट यानी कि कोई मतलब ये अलग सा बैकग्राउंड नहीं है, अलग सा बॉडी, अलग सा ये ग्रिल, अलग सा ये रिवर नहीं है। सिर्फ दिस एंड दिस आर द टू ऑब्जेक्ट व्हिच हैज बीन मॉडिफाइड, व्हिच हैज बीन मैनिपुलेटेड इन दिस पिक्चर। सो आज हम लोग ट्राई करेंगे, मैं आज एडिटिंग नहीं दिखाऊंगा कैसे आप ये कलर डॉजन बर्न कर सकते हो, ये मैं नहीं दिखाऊंगा। मैं सिर्फ दिखाऊंगा ये जो कलर टोन है, ये जो ब्लूइश व्हाइट कलर टोन है, डार्क ब्लू, ये कैसे आप क्रिएट कर सकते हो अपने फोटो में, ये मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको प्रॉपर विजय महार एडिटिंग चाहिए, मतलब विद फेस टोन एंड लेंस ब्लर, हाउ मच ही डू अ ब्लर बैकग्राउंड, वो कितना अमाउंट का ब्लर करता है बैकग्राउंड, और लाइट फिक्स कैसे करता है, अगर आप ये सब इन डिटेल आपको एडिटिंग चाहिए तो आप बोल सकते हो, आई विल मेक द वीडियो ऑन इट श्योरली। सो आज सिर्फ मैं आपको बताऊंगा आप कैसे इसके जैसे कलर ग्रेड कर सकते हो, मतलब डार्क ब्लू कलर ग्रेड, मतलब कलर ग्रेडिंग कर सकते हो अपने फोटो में। हाँ, तो आज मैं लाइट रूम यूज करने वाला हूँ क्योंकि लाइट रूम ऐसा एप्लीकेशन है जो कि एंड्रॉइड में भी सिमिलर होगा और हर चीज में सिमिलर होगा। ओके, तो अगर ध्यान से इसका अगर फोटो हम लोग देखें तो इसमें क्या है, सब कुछ ग्रेइश एंड ब्लू है, इसमें कोई दूसरा कलर एडिट नहीं है, यानी कि रेड नहीं है, येलो, पिंक, ये सब नहीं है। इसमें सिर्फ फेशियल जो ओरिजिनल फेशियल कलर होता है वो है, थोड़ा सा इसमें रेडिश ज्यादा है, और जो ऑरेंज है उसको लुमिनेंस कर दिया है, थोड़ा सा व्हाइटनिंग ले आया है। ये आप ये सब सुन के आप बौखला मत जाइए, मैं आपको सब डिटेल में बताने वाला हूँ, मतलब दिखाने वाला हूँ प्रैक्टिकली आप कैसे ये कर सकते हो। और जो बात है, जितना भी दूसरा कलर है सबको डिसेचुरेट कर दिया है और सबको एज अ ग्रे एंड ब्लूइश फॉर्म में लेके आ गया, तो हम लोग भी सेम करेंगे। हम लोग पहले, तो मैं आज तो यहाँ एडिटिंग नहीं करूंगा, जस्ट कलर ग्रेडिंग करूंगा। तो इसमें बहुत सारा कलर है, ये सब देख सकते हो, ब्लू, रेड, पिंक, येलो। सबको पहले हम लोग लाइट फिक्स करेंगे। तो जितना भी विजय मार का फोटो होता है सब में थोड़ा सा अंडर एक्सपोज रहता है, तो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, मैं और एक बार कर देता हूँ। -0.80 करेंगे हम लोग अंडर एक्सपोज, और हाईलाइट अगर देखे तो हाईलाइट तो हाई रहता है विजय मार का, तो हम लोग भी हाईलाइट को हाई कर देते हैं, ज्यादा नहीं, और शेडो को थोड़ा सा डाउन कर देते हैं। यस, दैट्स इट। एंड व्हाइट को थोड़ा सा डाउन पीछे तरह भी रहने देता है, और ब्लैक के साथ हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। अच्छा, ज्यादा क्या होता है फोटो में, अगर आप ज्यादा ब्लैक का अमाउंट ज्यादा दे देते हो तो फोटो थोड़ा फेडेड फेडेड लगता है, जो कि बिल्कुल पसंद नहीं आता, जो रियलिटी का बाहर है, मतलब उसमें ओरिजिनलिटी नाम का चीज नहीं होता। फिर अब टेक्सचर थोड़ा कमा दे, क्योंकि मैं जो एडिटिंग नहीं करने वाला, मेरा फेस में जो ये सब है इसको अब अगर हाइड करना चाहते हो तो इसका टेक्सचर जो होता है उसको अब
माइनस के और ले आइए थोड़ा सा, बस माइनस। अगर आप देख सकते हैं पिछले, अगर मैं थोड़ा सा जो पहले था ऐसे था, आप ध्यान से देखोगे तो चेंज होता है थोड़ा सा ऑटोमेटिक। तो ये टेक्सचर है पीछे ले आओ, क्लियरिटी थोड़ा बढ़ा लो फेस में। ध्यान रखे जब आप क्लियरिटी बढ़ाओ तो फेस में ध्यान रखे और आपका जो बॉडी का जो हेयर होता है उसमें ध्यान रखे। क्लियरिटी इतना रखो कि ये सब वैनिश ना हो जाए, और इतना भी ज्यादा मत रखो कि आपका जो फेशियल का जो ये सब टेक्सचर है वो बाहर निखर के आ जाए, बाहर आ जाए, मतलब ज्यादा दिखने लगे। सो अभी क्या करेंगे, लाइटिंग हम लोग का हो गया खत्म। अभी हम लोग, सॉरी, तो मेरा पीसी थोड़ा सा लो एंड का पीसी है तो इसलिए थोड़ा ये सब प्रॉब्लम हो रहा है। तो अभी हम लोग वो करेंगे इसमें ह्यू में, ह्यू में आपको कुछ नहीं करना है। आपका जो फेस टोन है, ये जो ऑरेंज है इसको थोड़ा सा रेडिश में कन्वर्ट करना है। जो पहला है ह्यू रेड, उसको थोड़ा सा नेगेटिव के तरफ ले जाने से वो थोड़ा सा रेड हो जाएगा। इधर ब्लू, इधर रेड। फिर जो ऑरेंज पैनल है उसको भी थोड़ा सा राइट तरफ ले जाइए, तब आपको पता लगेगा ये रेड हो रहा है। ओके, जो पहले था कुछ ऐसा, अभी हो गया ये कुछ ऐसा, तो थोड़ा सा रेड हुआ। तो ऐसे ही चाहिए, क्योंकि अगर आप देखोगे जूम करके तो यहाँ पर आपको रेड दिखेगा इसकी स्किन पे। हाँ, तो फिर हम लोग अभी नेक्स्ट जो है हम लोग का वो है जितना भी कलर है उसको डिसेचुरेट करना। ओके, सो थोड़ा सा एक्वा के साथ। हाँ, तो अपना जो एक्वा है इसको थोड़ा सा प्लस 50 कर देते हैं इसका, जस्ट सिंपली प्लस 50। और ब्लू को थोड़ा सा डीप ब्लू कर देते हैं, क्योंकि ब्लू हम लोग का मेन प्राइमरी कलर है हम लोग का, ब्लू ब्लू। सो जो नेक्स्ट पार्ट है हम लोग का आ गया सेचुरेशन में। तो ध्यान रखिए, अगर आपका ये एंड्रॉयड में अलग अलग होता है, एंड्रॉयड में सिर्फ ह्यू सेचुरेशन ल्यूमिनेंस होता है अलग अलग पैनल में, और पीसी में अगर करते हो तो साइड में उसका ऑल का भी है। ऑल करे तब आपको सिमिलर पैनल मिलेगा, सुविधा होगा देखने को। और आप एंड्रॉयड करते हो तो ध्यान रखे कि ह्यू एक तरफ, सेचुरेशन एक तरफ और ल्यूमिनेंस साइड में रहे। तो नेक्स्ट हम लोग करेंगे सेचुरेशन में आ जाएंगे। सेचुरेशन में क्या करना है आपको, सिंपली सेचुरेशन में जस्ट आपका जो ये ऑरेंज है, ऑरेंज को थोड़ा सा माइनस करें, थोड़ा सा रेड को थोड़ा सा इंक्रीज करें। हाँ, ऑरेंज को माइनस करके रेड को अगर थोड़ा इंक्रीज करते हो कुछ अब इस तरह का कलर टोन में आओगे आपका फेस। तो ध्यान रखें अभी सिर्फ हम लोग फेस टोन में स्किन टोन में सिर्फ काम कर रहे हैं, अभी कोई बैकग्राउंड में काम नहीं कर रहा है, ना कि कोई इफेक्ट में काम कर रहा है, सिर्फ अभी हम लोग फेस टोन में काम कर रहे हैं। ओके, सो अभी जो नेक्स्ट है येल्लो को थोड़ा और येल्लो करे, बस इतना। और जो ग्रीन है, ग्रीन को पूरा माइनस कर दे, देख सकते हैं आप, अगर ग्रीन को आप प्लस करोगे कुछ इस तरह खराब आ गया फोटो में, पूरा माइनस कर दे, थोड़ा सा ग्रे हो जाएगा। और जो एक्वा, एक्वा को भी माइनस कर दे। ब्लू जो है, ब्लू को अभी माइनस ना करे, इसको थोड़ा माइनस करे जो ज्यादा नहीं। ओके, सो पर्पल ये सबको माइनस कर दे क्योंकि ये कोई काम का नहीं है। और अभी बात आता है लुमिनस में, लुमिनस में कुछ नहीं करना आपको, रेड भी थोड़ा सा माइनस करना है, ऑरेंज थोड़ा सा, रेड -10, ऑरेंज +10। फिर जो येलो है इसको भी थोड़ा सा माइनस करे, फिर ग्रीन है, ग्रीन को भी माइनस करे, ग्रीन तो है नहीं असल में, एक्वा को भी माइनस करे। और जो ब्लू है इसको थोड़ा सा माइनस करे, -15 की तरफ, नहीं ज्यादा ही करे, -38 कर लेते हैं, बस आपका लुमिनेंस में काम खत्म। तो अगर आप क्या बोलते हैं, अगर आप देख सकते हो पहले कैसा था अभी कैसा हो गया फोटो, रुको मैं दिखाता हूँ, पहले ऐसा था कुछ अभी कुछ ऐसा हुआ। तो ये है डिफरेंस बिफोर एंड आफ्टर का। और अभी हम लोग बात, अभी फिर आ जाते स्प्लिट टोनिंग का। तो स्प्लिट टोनिंग एंड्रॉइड में कहाँ आप ढूंढ लो वहां से, और कंप्यूटर में तो यहाँ सिंपली जहां मैं दिखा रहा हूँ वहीं पर। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जो हम लोग का हाईलाइट्स है ये तो हम लोग छेड़छाड़ नहीं करेंगे, हम लोग जो हम लोग का जो बैकग्राउंड है, जो ये शेडो वाले हिस्सा है, और थोड़ा सा यहाँ ये हाईलाइट्स है और शेडो है, मिड टोन्स है, इन सब से हम लोग को लेन देन है। तो हम लोग अभी यहाँ शेडो जो है ये वाला, इसको थोड़ा सा हम लोग ये यहाँ तक लेके आते हैं, और इसका सेचुरेशन धीरे धीरे इंक्रीज करते हैं। आप देख ले आपका फोटो के हिसाब से कौन सा ज्यादा सूटेबल होता है। तो ये मेरे को ठीक लग रहा है अभी जितना हम लोग के, ये मेरे को ठीक लग रहा है ऐसा, हम लोग थोड़ा सा ब्लूइश थोड़ा सा कम कर देते हैं।
ओके सो ये, और हाइलाइट्स में हम लोग सेलेक्ट करेंगे व्हाइट पार्ट, फुल ऑन व्हाइट सेलेक्ट कर दिया हम लोग हाइलाइट्स। और ब्लू सेलेक्ट करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना, हम लोग कुछ ब्लू करेंगे लेकिन डार्क सा ब्लू। तो आप ये अपना फोटो के हिसाब से थोड़ा आप खुद का ये एडजस्टमेंट कर ले, क्योंकि सब फोटो तो सिमिलर नहीं होगा। मेरे को ये ठीक लग रहा है वैसे, चलिए थोड़ा कमा देते हैं। सो ओके, तो हम लोग अभी स्प्लिट टोनिंग में भी काम कर ले, अभी थोड़ा सा बैलेंसिंग करेंगे हम लोग हाइलाइट्स और मिड टोन्स और शेडो के बीच में। अगर स्किन में अगर जूम करोगे तो आपको पता चलेगा, अगर आप यहाँ पर बैलेंसिंग करोगे देख सकते हो आप स्क्रीन में डिफरेंस नजर आ रहे होंगे आपको। ओके सो हम लोग इसको थोड़ा सा +21। ओके सो हम लोग कुछ इस तरह इतना इतना रखेंगे अपना ये स्प्लिट टोनिंग का सब कुछ सामान है मतलब ये सब। फिर हम लोग आ जाते हैं शार्पनिंग में, शार्पनिंग ज्यादा नहीं करना है क्योंकि मेरा फोटो ऑलरेडी शार्प है, ऑन द पॉइंट फोकस्ड है, और थोड़ा सा सिर्फ इनक्रीज कर लेते हैं क्योंकि ये करना अच्छा लगता है। सो हम लोग अगर नेक्स्ट आ गया न्यूज, नॉइस रिडक्शन तो नहीं करना पड़ेगा अपन को क्योंकि अपना फोटो में कोई नॉइस तो नहीं दिख रहा अपन को, क्योंकि हम लोग एक्स्ट्रा नॉइस, अगर आप विजय माया का फोटो कोई भी फोटो को आप जूम करते हो उसमें आपको नॉइस तो नहीं मिलता, लेकिन उसमें वो आर्टिफिशियली ग्रेन देता है जो कि फोटो में थोड़ा सा प्रोफेशनलिटी लुक आता है, क्योंकि जो ये स्टूडियो फोटो नहीं है आउटडोर फोटो है। अगर स्टूडियो फोटो होता उसमें अगर नॉइस होता तो थोड़ा सा नेगेटिव तरफ जाता, अगर ये आउटडोर फोटो में अगर थोड़ा आप नॉइस दे देते हो, नॉइस मतलब नॉइस नहीं, नॉइस अलग होता है ग्रेन अलग होता है, नॉइस थोड़ा सा अजीब लगता है, ग्रेन मतलब एक प्रोफेशनलिटी लाता है एक फोटो में। तो ग्रेन ऐड करो ओनली इन आउटडोर फोटो शूट, नॉट इन इंडोर। इंडोर में अगर फोटो ग्रेन वो करोगे तो जो भी अगर देखेगा फोटो ऐसा बोलेगा कि इसमें लाइट का प्रॉब्लम था स्टूडियो में, इसीलिए थोड़ा सा ऐसे हो गया, ऐसे ही बोलेगा। फिर हम लोग नेक्स्ट जो करेंगे ग्रेन, आप देख सकते हो यहाँ पर ग्रेन है, तो हम लोग फिर वापस हम लोग चले जाएंगे अपना लुमिनेंस में, इसमें जो ब्लू है इसको ब्लू को थोड़ा डार्क करेंगे। क्योंकि अपन को ये सबको थोड़ा सा ब्लू मतलब डार्क डार्क चाहिए, तो देखते हैं कौन सा इसमें सूट आता है। फिर ये सब होने का बाद अपन को अभी और कलर टोनिंग में नहीं करना है, अपन को लेना ये वाला टूल जो कि ग्रेजुएटेड फिल्टर एम, अगर आप एम क्लिक करते हो कंप्यूटर में तो आपको ये मिल जाएगा। तो हम लोग इधर से जस्ट ऐसे स्लाइड ले लेते हैं और इधर से एक्सपोजर को देता है कमा, एक्सपोजर कमा देता है इधर से स्ट्रेटली, तो कुछ इस तरह होता है ये। फिर यहाँ से डन कर देता है, फिर इसमें क्लिक करता है, फिर इधर से भी लेता है एक्सपोजर, इसको भी कमा देता है, तो भी आ रहा है सिमिलर लुक थोड़ा बहुत। फिर अभी जो करना है ये वाला जो हिस्सा है, ये जो हाईलाइट हिस्सा है जिन लोग जो हम लोग ने हाईलाइट कमा के इसको थोड़ा सा डल कर दी, इसको अभी हाई करना है। फिर से वो सेम लेंगे, फिर से ऊपर से खींचेंगे और इसका एक्सपोजर बढ़ाएंगे सिंपली जस्ट। तो इतना यहाँ तक करना है, नेक्स्ट जो हम लोग का काम है वो करेंगे हम लोग ये वाला जो हिस्सा है ये, इसको अभी हम लोग हटाएंगे, उसके लिए हम लोग को थोड़ा सा इसको वो करना है, व्हाइट को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं, ब्लैक को थोड़ा सा, तो हम लोग इसने को भी इसको भी हटा दिया, यहाँ पर जो चमक रहा था जो चमकान था अपने बॉडी पर उसको हटा दिया हम लोग यहाँ पर सिंपली। तो अगर आप फिर से अगर आप हम लोग अपट्रेंड बिफोर देखोगे तो यू कैन सी द वी हैव कवर्ड अ मच कलर ग्रेडेड लाइक विजय महार। तो मैं अभी आपका जो ये वाला जो इसमें जो लाइटनिंग आ रहा है जो यहाँ देखने को बहुत अच्छा लग रहा है, ये मैं आपको नहीं सिखाने वाला हूँ और इधर भी नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि ये मैं सिंपली आपको कलर ग्रेडिंग सिखाऊंगा, जो कलर ग्रेडिंग ये है इस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, इसमें थोड़ा बाकी और है। तो फिर हम लोग चले जाते हैं नॉर्मल व्यू में, तो सिंपली आप यहाँ स्क्रॉल डाउन करोगे तो ये हम मिल जाएगा आपको टोन कर्व। टोन कर्व में यहाँ RGB होता है, RGB को आप ब्लू ले लो, ब्लू लेने का बाद आप सिंपली थोड़ा सा इसको ऊपर की तरफ खींचो हमने जो शेडो का ये, तो मैं आपको अगर टोन कर्व को मैं थोड़ा ओवरऑल व्यू देता हूँ, ये है हाईलाइट, ये है आपका मिड टोन और ये है आपका डार्क मतलब ये शेडो। अगर आपको शेडो को थोड़ा ब्लूइश देना है तो ब्लूइश शेडो यहाँ पर कोई फिक्स पॉइंट लगा दो ताकि इधर ही इधर ना हिले, क्योंकि मिड पॉइंट का जगह है, ये शेडो का जगह है और ये हाईलाइट का जगह है, तो शेडो को खींच के थोड़ा उठा लो, तो इसका जो शेडो में है वो, और
थोड़ा सा मैं मिड टोन से शेडो हटा देता हूँ, मतलब ब्लू हटा देता हूँ। ओके सो हाईलाइट तो नहीं चाहिए अपन को, ब्लू हाईलाइट में ब्लू अपन को नहीं चाहिए भाई। यस दिस एंड बस आपका हीटोन का आपका काम खत्म। अभी और नीचे आ जाएंगे तो आपको दिखेगा थोड़ा सा इफेक्ट, इफेक्ट में अमाउंट माइनस की तरफ ले तो ब्लैक हो जाएगा। मिड पॉइंट से थोड़ा सा खेल खोल लीजिए, ये हो जाएगा। फिदर थोड़ा सा इंक्रीज कर ले ताकि अच्छा लगे। फिर से हम लोग ये वाला ले लेंगे ग्रेजुएटेड फिल्टर, इसको थोड़ा सा फिर से ऊपर घसा के उठा देंगे। और इस बार लेंगे हम लोग ब्लैक, क्योंकि अभी हम लोग सिर्फ विनेट मोड ला रहा है अपना फोटो में, चारों तरफ ब्लैक थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में। ऐसा हम लोग डन कर लेता है। अभी नेक्स्ट स्टेप है लास्ट स्टेप एंड द लास्ट मेन स्टेप व्हिच इज ग्रीन। हाँ तो हम लोग नीचे देखेंगे तो यहीं ग्रीन का ऑप्शन कहीं पर होगा, ग्रीन। ओके सो अपना जो इफेक्ट मोड में है उसका अंदर ही ग्रीन है, तो अगर आप जूम कर ले थोड़ा तो देख सकते हो ग्रीन कैसे दे सकते हो। ओके सो दिस विल बी द गुड। ओके हाँ ये ठीक लग रहा है, ये है प्रॉपर ग्रेन एंड प्रॉपर कलर टोन ऑफ बीजेमआर। तो इसमें बात कमी है सिर्फ, अगर मैं आपको ये पूरा एडिटिंग सिखाता हूँ बीजेमआर को, तो मैं अभी आपको सिखाता हूँ यहाँ पर आप डॉज एंड बर्न कैसे कर सकते हो, तो पूरा स्किन उसका जैसे लगता है, और हाथ में भी और शर्ट में भी टी शर्ट में भी। तो मैं सिर्फ सिखाया आपको आज कलर ग्रेडिंग, जो कि हो गया सिमिलर एस लाइक बीजे मेहर। सो ओके गाइस, अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको चाहिए फुल वीडियो, फुल एडिटिंग वीडियो लाइक विजय महार, देन यू कैन कमेंट डाउन, श्योरली आई विल डू समथिंग अबाउट इट। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो यू कैन लाइक द वीडियो, यू कैन सब्सक्राइब माय चैनल, यू कैन शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड